नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। लोक जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों की समस्या पर राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार। सिवान के दरौली थाना क्षेत्र के बलुआ मठिया के पास एक स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त, दर्जनों बच्चे घायल। और बिहटा पुलिस ने दो ईरानी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज मनिहारी फेरी सेवा बंद होने से बिहार और झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाली अंतर्राज्यीय फेरी सेवा बंद होने से आम लोग हलकान हैं। फेरी सेवा नहीं शुरू होने से मनिहारी घाट पर हजार से ज्यादा यात्री सुबह से ही परेशान रहे। वहीं घाट पर इंतजार कर रहे पूर्व प्रमुख फुलमणि हेब्रम ने बताया कि उनकी बेटी उस पार LCT से अकेली आ रही थी, लेकिन पुनः LCT को वापस साहिबगंज ले जाया गया। इसलिए प्रशासन को जिम्मेवारी लेना चाहिए, उसको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अब किसी को आपने दे दिया, लेकिन पहले सुविधा पब्लिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझ में प्रशासन, जिला पदाधिकारी मैडम को भी ये समझ में होना चाहिए कि मेरे बच्चे कहीं पर है, हमको कैसे मेरे दिल पर कैसे गुजर रही होगी। और मैडम से मेरा यही आग्रह रहेगा कि मेरे बच्चे को कम से कम अमानत प्रशासन के द्वारा, किसी के द्वारा मनिहारी घाट पर पहुंचवा दे, बस यही मेरा। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर में स्थानीय होटल के मालिक से रंगदारी में 15 लाख रुपए मांगने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले की पुष्टि करते हुए बेतिया SDPO पंकज कुमार रावत ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि बेतिया सुप्रिया रोड स्थित काजल इंटरनेशनल होटल के मालिक विजय गुप्ता से विगत दिनों पहले 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान रंगदारी मांगने वाला सीन एवं मोबाइल सहित कोलिया थाना क्षेत्र जेल में बंद संतोष सिंह के गिरोह के सदस्य अनुज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। सिंधु कानू के शहीद दिवस पर कटिहार जिला के मनिहारी कालीगंज के मैदान में श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही आदिवासी समाज द्वारा नृत्य संगीत किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में बिहार, झारखंड एवं बंगाल के आदिवासी समुदाय के लोग सम्मेलन में भाग लेने आए। इस कार्यक्रम में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत किया। हुल माह हम लोग मना रहे हैं, ये हमारे पूर्वज जो हुल दिवस इसी अवसर पर किया था। हम लोग को कुछ इंग्रजों का दलाल हम लोग को परेशान करके, प्रसारित करके इतना कड़ा तहसीलदार करता था उन समय में। इंग्रज उनको बोलते थे कि 400 टका लेना है तो 500 टका उनका दलाल वसूल करते थे। इसी से हमारा जाति परेशान होकर युद्ध शुरू किया और उनके नाम है सीधा कानू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा। ये महापुरुष ने लड़कर इंग्रज को भगाने काम किया। सोशल मीडिया पर मोतिहारी की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि दो दिन पहले एक लड़की के छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर हमने प्रमुखता से चलाया था, जिसमें कार्रवाई भी हुई और एक युवक को सलाखों के अंदर जाना पड़ा। मामला अभी चर्चा में ही था कि एक बार फिर मोतिहारी के छोड़ा दाना थाना क्षेत्र के कर्मियों का कारनामा कैमरे में कैद हुआ है और वायरल हो गया है, जिसमें थाना का एक चौकीदार और एक SPO दोनों अपने साथियों के साथ जुआ खेल रहे हैं और इसके एवज में जुआ खेलने वालों से पैसे ले रहे हैं। वही वीडियो के वायरल होने के बाद सुशासन के सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। हालांकि पुलिस हरकत में आई है और दोनों के ऊपर कार्रवाई करते हुए निलंबित की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक छोरा दानो थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोग जुआ खेल रहे हैं और वहाँ पर पैसे लेने की शिकायत आ रही है। चौकीदार है, SBO है और वीडियो को के आधार पर दोनों को चिन्हित करते हुए निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया है SDPO रक्सौल से और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी।
सिवान के दरौली में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्कूल बस पे दुर्घटनाग्रस्त होने से उसके सवार दर्जनों बच्चे घायल हो गए। घटना दरौली थाना क्षेत्र के बलुआ मठिया के पास मुड़ा गांव की है। बताते चले कि दरौली प्रखंड स्थित जेआर कॉन्वेंट नाम के एक प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को घर से लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान बलुआ मठिया के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। घायल बच्चों को दरौली पीएससी में भर्ती कराया गया। बस में सवार छात्रों की माने तो बस के चालक बस को ड्राइव नहीं कर रहे थे। मैं चला रहा था और ले आया पहली बार आया था इधर। ड्राइवर नहीं चला रहा था? नहीं, उसके हाथ में डायमंड हुआ था इस साथ में। अच्छा, तो वो पहली बार उसे ले आया था ड्राइवर। तो बहुत फास्ट चला रहा था, कैसे चला था हम लोग को पता भी नहीं चला। अच्छा, पहले ड्राइवर चला करके ले गया और फिर उधर लास्ट में खलासी को दे दिया? यस, सीपुर में की इधर खराटी में से। अच्छा, दे दिया की बाजार है अरकपुर में, तो वो दे दिया ड्राइवर को। फिर आया इधर मठिया में, तो खलासी को दे दिया। तो खलासी बहुत फास्ट चला रहा था, हम लोग को पता भी नहीं चला। और गाड़ी ओवर भी लोड थी, ज्यादा बच्चे थे? Yes, कितने बच्चे थे? 50 बच्चे थे। राजधानी पटना स्थित एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन शोध संस्थान में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों की पुनः वापसी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी जी के नाम पर एक भव्य स्मारक व शोध संस्थान बनाने में सरकार पूरा सहयोग करेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 1950 से 60 के दशक में शोधकर्ता वाल्टन हाउजर द्वारा विदेश ले जाए गए स्वामी जी से संबंधित दस्तावेजों की पुनः वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने डॉक्टर सत्यजीत सिंह व कैलाश चंद्र झा को धन्यवाद दिया। वाज ऑन लास्ट ह्यूमैनिटीज की ओर थोड़ा घूम रहा था, लेकिन अब उस समय हिस्ट्री वो सोशल साइंस था। देयरफॉर इट वाज ओनली नेचुरल that when Walter Hauser came to India, he came armed with a big idea, what a vichar. His name was Robert Redfield. At that time, history and anthropology were beginning a long and fruitful conversation, the two disciplines. The big idea that Robert Redfield offered and that Walter brought with him to India in his dissertation research was a claim, an argument about the nature of change in human society. Samaj kaisa badalta hai. Robert Redfield argued that there was a sharp difference between what he called civilized society, to say sabhyata, or folk society. It's a very complicated theory, and we don't have time to go into it. But I would summarize two points from institutional logic and its ideological origins. Swami ji ke atmakatha mein Max Muller ka jikra hai ek baar. उन्होंने जब जर्मन का के प्रशंसा करने लगे एक कार्यक्रम में जर्मन के लोगों की, और जर्मन और इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था, तो लोगों ने उनको बोलने से रोक दिया और नाम लिखा मोक्ष मुलर। मैक्स मुलर अंग्रेजी का नाम, जर्मन नाम होगा, लेकिन उनकी आत्मकथा में मोक्ष मुलर। तो मैक्स मुलर जो है वो भारत के जो वैदिक साहित्य है उसका अध्ययन करता, लेखन करता है। तो बिहार के लोग और देश के लोग स्वामी जी के महत्व को नहीं समझ पाए, और एक विदेशी यहाँ के डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाता है और अध्ययन करता है, पुस्तकें लिखता है, और आज वो 40 साल 50 साल के बाद और डॉक्टर सत्यजीत और कैलाश झा जी के प्रयास से वो लौट कर आता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और ऐतिहासिक क्षण दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जिस तरह से कर्नाटक में टीपू सुल्तान की तलवार और अंग्रेज 1799 की लड़ाई में जब टीपू सुल्तान हार गया तो उसकी तलवार लेकर इंग्लैंड चले गए, और जब अभी हाल में उसकी नीलामी हुई तो 56 करोड़ में टीपू सुल्तान की तलवार की बिक्री हुई,
और विजय मल्या जो भी फरार हैं उन्होंने इसको ऑक्शन में खरीदा और लाकर वहां की म्यूजियम में इसको रखा गया। अंतरिम इच्छा थी कि मैं मरने के पहले जहां से लाया था वहां वापस करूं। ऑप्शन उनको बहुत था कि अपने वर्जिनिया यूनिवर्सिटी को दे देते, ऑप्शन था नेहरू मेमोरियल को देते, आर्काइव को देते, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं आश्रम से लिया हूँ, ये ऋण है, मैं उसे वापस करूँ। तो हम कैलाश झा, जो कैलाश झा उनसे 74 से जुटे हैं, बहुत से किताब दोनों मिल के लिखे हैं, हम लोग प्रयास किया, बात किया, वो बहुत खुशी के साथ में, बहुत संतोष से वो 5 बॉक्स जिसमें 200 किलो डॉक्यूमेंट्स है वो लाए हैं। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आश्रम में अभी भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको बढ़िया टाल से मिला, कुछ मजमामा से मिला, कुछ वेस्टर्न यूपी से मिला, वो सब को संग्रहित करके एक शोध केंद्र होगा, एक लाइब्रेरी होगा और स्वामी जी के ऊपर में एक म्यूजियम होगा, उसमें उनकी तस्वीर होगी, उसमें उनके भाषण का एक एक्टर के द्वारा भाषण का एक्ट होगा जिसको कोई भी चाहे सुन सकते हैं। अररिया के पलासी थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार वाहन ने युवक को ठोकर मार दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे से नाराज युवकों ने पुलिस वाहन एवं ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। अग्निशामक दल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। सालिमपुर थाना के डोमा गांव के सामने 4 लेन पर तेज गति से पटना से बिहार शरीफ जा रही आल्टो कार का अगला टायर विस्फोट होकर अनियंत्रित होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर आ गई और तेज गति से बख्तियारपुर से पटना जा रही स्कॉर्पियो पर जा टकराया, जिसे ऑल्टो कार में सवार बिहार शरीफ ग्रामीण की CDPO संगीता कुमारी एवं उसके ड्राइवर श्रीनाथ कुमार का मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अथमल गोला थाना के गंज पर गांव से स्कॉर्पियो पर सवार होकर पटना ट्रेन पकड़ने जा रही खुशबू कुमारी एवं ड्राइवर राहुल कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। औरंगाबाद में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना ओबरा में दो मुहान शमशान घाट की है। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी एक दाह संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। सभी घायलों को आनंद फानन में ओबरा PHC लाया गया, जहां सबों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, मगर रास्ते में ही 4 लोगों की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में जारी है, मगर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। इधर घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आज का घटना प्राकृतिक घटना है, घटना के जैसे ही हमको जानकारी हुआ, यहाँ पहुँच करके मैंने अपना संवेदना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी तो लगे हुए। बेगूसराय में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर पूर्वी पंचायत की है। बताया जाता है कि विकास कुमार की पत्नी नेहा कुमारी ने रविवार सुबह घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 1 साल पूर्व नेहा कुमारी की शादी हुई थी। शादी के बाद से वह मायके और ससुराल आती जाती रहती थी। 30 जून की शाम भी वह मायके से अपने ससुराल आई थी और सुबह में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके वालों ने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है। वीरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और UD केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान नई दिशा परिवार ने शनिवार को 22वें समर कैंप के समापन पर 168 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर पाटलिपुत्रा गौरव अवार्ड 2018 से भी 10 गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह की अध्यक्षता राजेश वल्लभ ने की। समारोह में प्रतिभागियों ने नृत्य संगीत तथा वादन विवादन की प्रस्तुति दी। यही कहना चाहूंगी कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कलाकारों को इतना प्रोत्साहित किया जाता है।
काफ़ी अच्छा एक अवार्ड था। जो भी अलग अलग समाज के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अच्छा निःशुल्क जो काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसके लिए मुझे भी आज बुलाया गया था और ये अवार्ड मुझे दिया गया है। और इसके लिए मैं सभी बिहारवासियों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। जैसे मैं खुद हरियाणा से हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे सम्मान मिल रहा है, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है। बिहार पुलिस ने रविवार की शाम दो ईरानी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में किया है गिरफ्तार। दोनों ईरानी नागरिक अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, दोनों के पास पासपोर्ट भी नहीं है। पुलिस को शक है कि ये दोनों या तो कोई वारदात को अंजाम देने आए हैं या फिर किसी हेराफेरी के चक्कर में। फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में ले पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों ईरानी नागरिक बिहार के पास सीमेंट स्टोर नाम के दुकान में कुछ सामान खरीदने गए थे। वहीं सामान खरीदने के बाद दोनों ने दुकानदार ने नई करेंसी नहीं दी तो दोनों ने दुकानदार के गले में हाथ डाल दिया, साथ ही कुछ पैसे भी लेकर चुपचाप अपने जेब में रख लिया। दोनों की सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। दोनों ईरानी नागरिक का रवैया संदिग्ध देखते हुए दुकानदार मालिक राम ज्योति कुमार ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। रजौली थाना क्षेत्र के टकुआ टान पंचायत के राजवंशी टोला निवासी रामेश्वर राजवंशी की पत्नी ने दो लोगों पर आग लगाकर जलाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि तीन दिन पहले वह वन विभाग कार्यालय के पीछे से जा रही थी, तभी मनोज पंडित व डी रजौली निवासी अनिल रजक ने कोई ज्वलनशील पदार्थ को डालकर पीछे से आग लगा दिया। जब आग लगने से उस वक्त टेरी कॉटन की साड़ी पहने रहने के कारण बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद पीड़िता को कोई होश नहीं रहा। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा है कि पीड़िता के आवेदन के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, मामले के अनुसंधान के बाद कार्यवाही की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जैसे वो पता चल जाएगा, जैसे जमीन के विवाद है, समझ नहीं ना, 8 लाख रुपया भी दे लियो, वजह तो जानवे करें तो नहीं कि कमा कमा के दे गलियो। आ हम जो बीमार पड़ रही है तो हमारा घर तर के 3 कट्ठा जमीन बेच दल के ये पलूस में, तो वहाँ से लिए तो सिकड़ रोक लिए और डजर ला रहा जो बपचोदी। खुले में शौच से मुक्त हो गए नारदीगंज प्रखंड के ओरो पंचायत के गोदरा पर गांव में किसी भी घर में नहीं है शौचालय, पूरा गांव खुले में कर रहा है शौच। 60 से 70 घर के इस गांव में आबादी लगभग 700 है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के घर में शौचालय नहीं है। मीडिया संवाददाता को ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शौचालय बनाने में सक्षम नहीं है और न ही आज तक कोई सरकारी कर्मी हम लोगों को शौचालय से हानि और लाभ के बारे में बताने के लिए आया है। प्रोत्साहन राशि की बात तो दूर है, जबकि इस गांव के बगल में बीकू गांव है जहां एक ही परिवार में 4-4 शौचालय का लाभ दिया गया है। गरीब आदमी हूँ, शौचालय कहाँ से लेंगे, देवन करो फिर सरकार देखिन हम तब बनती। क्या नाम है आपका? लालसी देवी। गरीब आदमी है, शौचालय कहाँ से बनेंगे, सरकार पैसा दे रहा कि नहीं, शौचालय है ही नहीं, पैसा नहीं है, कैसे बने। क्या नाम है आपका? नीलेश यादव। पैसे बन रही है, पैसा नहीं है, गरीब आदमी हूँ, तो सरकार देती तबे न बनेबे। बाढ़ के अटमलगोला थाना क्षेत्र के दक्षिणी चक निवासी पूर्व मुखिया वीरेंद्र सिंह हत्याकांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने भूमिहार ब्राह्मण महासभा के तहत सैकड़ों की संख्या में बाढ़ डीएसपी कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। साथ ही एक सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व वर्तमान पंचायत समिति सदस्य एवं पूर्व मुखिया वीरेंद्र सिंह की घात लगाकर अपराधियों ने हत्या, डीएसपी के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। लोक जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर किसानों की समस्याओं को उजागर किया। शरद यादव ने बताया कि धान की खरीद में हो रही धांधली पर केंद्र सरकार के एमएसपी का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। वहीं शरद यादव ने नोटबंदी को लेकर कहा कि नोटबंदी के कारण 8 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गए हैं, साथ ही बिहार के एनडीए की सरकार पर भी जमकर हमला बोला। जो सबसे अहम बात जो मुझे जो महसूस हुई कि एमएसपी कम है,
दिल्ली में जो MSP है वो चाहे धान है और चाहे गेहूं है और चाहे सारा मोटा धान चना है मूंग है आपका मक्का तो धान का जो दाम है वो तो पूरे सूबे में भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है 1550 और सारे सूबे में जो इंतजाम हुआ है उसमें 1200 कहीं 1300 कहीं 1400 यानी डिस्ट्रिक्ट सेल बहुत बड़े पैमाने पर तो सबसे ज्यादा फसल बनती है। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।